Hello friends and students, my name is Rakesh Solanki and I am a computer teacher in HD Public School Bahu Akbarpur Rohtak. And I am making this video series for the 8th class computer subject. This is the chapter 1 and the name of this chapter is Advanced Techs in ICT. This is the first part of chapter 1 and in this part we will learn about virtual reality and 3D printing. So this is chapter 1 of 8th class and the name of this chapter is Advanced Techs in ICT. So what do you mean by advanced techs in ICT? First, what is ICT? ICT ka matlab kya hota hai? ठीक है, वैसे तो ICT को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो काफी थोड़ा सा डीप स्टडी हो जाती है, बट अभी के लिए आप शॉर्ट में समझने के लिए जब आप 9th 10th क्लास में आओगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखें कि ICT का मतलब है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो सिंपल बस आप इतना याद रखें कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को ही शॉर्ट में हम क्या बोल रहे हैं, ICT. ओके, तो यहां पर बात कर रहे हैं एडवांस टेक्स, मतलब एडवांस टेक्निक्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसमें आजकल जो एडवांस टेक्निक्स आई हुई हैं वो क्या क्या हैं, वही सब हम आज के अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, तो इस चैप्टर में जो जो हम एडवांस टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है. वी विल लर्न अबाउट द वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग, किंडल, वियरेबल कंप्यूटर्स, क्लाउड स्टोरेज, रोबोटिक्स, ड्रोन्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो लेट्स स्टार्ट वर्चुअल रियलिटी. ये वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? सो फर्स्ट इज इट इज मेड अप बाय टू वर्ड्स, वर्चुअल एंड रियलिटी. वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है? वर्चुअल का मतलब होता है जो रियल ना हो. ओके, एंड रियलिटी का मतलब जो रियलिटी में आप जो कुछ भी देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो क्या है? रियल वर्ल्ड आपका. ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में आप जो कुछ भी देखते हो तो सब क्या है? रियल. और वर्चुअल मतलब जो रियल नहीं है. ओके, सो वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या हुआ? वर्चुअल रियलिटी का मतलब हुआ एक ऐसा एनवायरमेंट जो रियल नहीं है लेकिन बिल्कुल रियलिटी जैसा ही है. मतलब जब हम उस एनवायरनमेंट को फील करेंगे या उस एनवायरनमेंट में एंटर करेंगे तो हमें वो वर्चुअल होगा, मतलब वो रियल नहीं होगा लेकिन हमें बिल्कुल ऐसा ही फील कराएगा जैसे हम बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट में ही वर्क कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल रियलिटी. और ये वर्चुअल रियलिटी हम कैसे गेन करते हैं? आजकल कंप्यूटर की हेल्प से ये वर्चुअल रियलिटी क्रिएट की जाती है. मतलब कि मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया जाता है जिससे हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है जो रियल तो नहीं होता बट हमें लगता है ऐसा ही है कि बिल्कुल रियल हो. ओके, तो चलो अब इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं सेंटेंस बाय सेंटेंस. वर्चुअल रियलिटी ऑल्सो नोन एज VR, वर्चुअल रियलिटी को हम शॉर्ट में VR भी बोलते हैं, बेसिकली रेफर्स टू द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दैट सिम्युलेट्स अ रियल फिजिकल एनवायरनमेंट. ये एक ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, VR जो है वो एक कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है दैट सिम्युलेट. सिम्युलेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज की नकल करना, उसको बोलते हैं सिम्युलेट. ओके, मतलब जैसे कोई रियल चीज है उस जैसी ही कुछ कोई और चीज बना लेना, एक और कॉपी बना लेना किसी चीज की बिल्कुल रियल जैसी, उसको बोलते हैं सिमुलेट करना. ठीक है, दैट सिमुलेट अ रियल फिजिकल एनवायरनमेंट, जो हमारे रियल फिजिकल एनवायरनमेंट को सिमुलेट करता है. ये जैसा हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, ठीक है, हम जब काम करते हैं तो हम रियल वर्ल्ड में जैसे कहीं भी है, कहीं कोई खाना बन रहा है तो हमें उसकी स्मेल आती है, कहीं आसपास पौधे हैं तो उनसे ठंडी ठंडी हवा फील होती है, ठीक है, कोई बोल रहा है तो उसकी साउंड सुनाई देती है. ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें महसूस करते हैं. एक ऐसा कंप्यूटर में भी एक ऐसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना, हम सब कुछ ऐसे जैसे फिजिकल वर्ल्ड में सब महसूस करते हैं वैसा ही महसूस करें उस वर्ल्ड में, तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल रियलिटी. ओके, यूजिंग रियलिस्टिक इमेजेस. अब ये ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है?
रियलिस्टिक इमेजेस, ऐसी इमेजेस जो बिल्कुल रियल जैसी लगती हैं, साउंड्स का यूज किया जाता है एंड सेंसेशन और डिफरेंट टाइप के सेंसेशंस, ओके, मतलब ऐसी चीजें जिनको हम सेंस कर सकें, ठीक है। ए पर्सन कैन इंटरेक्ट विद वीआर एनवायरनमेंट यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट। अब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट को फील करने के लिए, इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, यानी इसे महसूस करने के लिए क्या किए जाते हैं, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है। कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स आते हैं, हमें वो यूज करने पड़ते हैं, सच एज जैसे हेलमेट। कुछ स्पेशल हेलमेट आते हैं वो हम पहन सकते हैं विद ए स्क्रीन। एक ऐसे हेलमेट होते हैं जिसके आगे एक स्क्रीन भी लगी होती है, ओके। हेडफोन्स, हेडफोन्स भी उसमें होता है अटैच, मतलब हमारे कानों में जो होंगे कुछ हेडफोन्स लगे होंगे उसमें से हमें साउंड सुनाई देगी। एंड ग्लव्स विद फिटेड सेंसर, और हाथों में जैसे ग्लव्स पहने जाते हैं, कुछ स्पेशल ग्लव्स आते हैं जिनके अंदर कुछ सेंसर्स होते हैं, ओके। द वर्ड वर्चुअल रियलिटी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, वर्चुअल एंड रियलिटी। वर्चुअल मीन्स नियरली, वर्चुअल का मतलब है नियरली, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बट नियरली, एंड रियलिटी, एंड रियलिटी इज वट वी सी एंड एक्सपीरियंस। और रियलिटी का मतलब क्या है, जो भी हम देखते हैं या महसूस करते हैं वो रियल है, और वर्चुअल मतलब नियरली। वैसे वर्चुअल का जो रियल मीनिंग होता है वो होता है नॉट रियल, ओके। यहाँ पर जो मीनिंग लिया गया है वो नियरली लिया गया है, तो दोनों का मतलब क्या हो गया, नियरली रियल, ओके, मतलब जो रियल तो नहीं है बट रियल के बहुत करीब है, मतलब बहुत ज्यादा रियलिटी का एहसास कराए, तो वो क्या कहलाएगा, वर्चुअल रियलिटी। इफ वी कंबाइन द टू वर्ड्स अगेन इट बिकम्स नियरली रियल, तो इसका मतलब यही बनता है, इन शॉर्ट इट इज नॉट एक्चुअल रियल। शॉर्ट में बात करें तो जो वर्चुअल रियलिटी है वो एक्चुअली रियल नहीं होती बट लुक्स नन लेस देन रियल एनवायरनमेंट, परंतु वो रियल एनवायरनमेंट से कुछ कम भी नजर नहीं आती, ठीक है। तो ये था वर्चुअल रियलिटी। अब यहां पर एक बात लिखी है कुछ, डिड यू नो, क्या आपको पता था वर्चुअल रियलिटी केम इन द लेट 1980s। जो वर्चुअल रियलिटी वर्ड है वो 1980s में आया था, ओके, एंड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, और ये जो वर्ड है कहां से आया था, ये जेरन लैनियर नाम का एक पर्सन था हु इंट्रोड्यूस द वर्ड, उसने ये जो वर्ड हमें बताया था वर्चुअल रियलिटी। तो पहली बार 1980s में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था हमें इस वर्ड से, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ थ्री डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट। वर्चुअल रियलिटी जो टर्म है वो क्या है कि हम कंप्यूटर की हेल्प से एक थ्री डायमेंशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं विच कैन बी एक्सप्लोर्ड एंड इंटरेक्टेड विद बाई विद और बाय ए पर्सन, और जिसके साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसके साथ कोई पर्सन इंटरेक्ट कर पाए। दैट पर्सन बिकम्स पार्ट ऑफ दिस वर्चुअल वर्ल्ड, जो वो पर्सन होता है वो इस वर्चुअल वर्ल्ड का ही एक हिस्सा बन जाता है और इमर्स्ड विद इन दिस एनवायरनमेंट, या फिर इस एनवायरनमेंट में बिल्कुल खो जाता है। एंड वाइल्स देयर इज एबल टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स और परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्शन, और फिर इस एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मैनिपुलेट, मतलब उनको यूज कर पाता है और ए परफॉर्म ऑफ एंड परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्शन, और बहुत सारे एक्शन परफॉर्म कर पाता है उस वर्चुअल रियलिटी के अंदर ही, उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही, ठीक है। तो वो जो एक्शन परफॉर्म करता है, हालांकि उसे लग ये रहा होता है कि जैसे वो बिल्कुल रियल में ये सब कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है एप्लीकेशन, ओके, ये वर्ड जो है ना इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो एप्लीकेशन जो आप कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अपनी जो मोबाइल्स है ना, मोबाइल्स में भी आप एप्स यूज करते होंगे, तो एप्स एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है किसकी, एप्लीकेशन की ही, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है, एक तो जो हम एप्स यूज करते हैं, चाहे मोबाइल में यूज करें या कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ठीक है, उनको भी क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस बोलते हैं। तो यानी जो भी सॉफ्टवेयर हो गए, चाहे वो मोबाइल के सॉफ्टवेयर हैं चाहे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं, उनको भी क्या बोलते हैं हम, एप्लीकेशन, ओके। तो एक तो हो गया ये एप्लीकेशन, और एक एप्लीकेशन का मतलब ये भी होता है कि कोई चीज कहाँ कहाँ यूज होती है। तो यहाँ पर वो दूसरे वाला मीनिंग है एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी के, वर्चुअल रियलिटी की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, मतलब वर्चुअल रियलिटी किन किन फील्ड्स में यूज होती है, ओके। सो नाउ एक्सपीरियंस ऑफ अ वर्चुअल वर्ल्ड मिमिक्स
जो हमारा सॉरी एक्सपीरियंस ऑफ ए वर्चुअल वर्ल्ड, एक वर्चुअल जो वर्ल्ड होता है उसका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, मिमिक्स दैट, वो ऐसा एक ऐसी नकल बना देता है ऑफ अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो, एक जो रियल वर्ल्ड है हमारा उसकी उसकी बिल्कुल एक रियल जैसी ही मिमिक, मतलब एक नकल बना देता है. वर्चुअल रियलिटी इनेबल समवन टू वॉक अराउंड ए थ्री डायमेंशनल बिल्डिंग. वर्चुअल रियलिटी की हेल्प से कोई भी बंदा किसी थ्री डायमेंशनल बिल्डिंग के अंदर घूम फिर सकता है. मतलब वो वर्चुअल रियलिटी में जब कोई यूज़ करेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वो किसी बिल्डिंग के अंदर घूम रहा है, बिल्कुल 3D बिल्डिंग बनी हुई है जैसे, यानी रियल में जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर घूम रहा है जबकि वो वर्चुअल रियलिटी के अंदर होता है. ओके, परफॉर्म ए वर्चुअल ऑपरेशंस, वहाँ पर कुछ वो वर्चुअल ऑपरेशंस कर सकता है, जैसे वो वहाँ से उस बिल्डिंग से चढ़ के जंप कर जाए, उसे लगेगा ऐसे ही जैसे वो रियल में वहाँ से जंप कर गया है, बट रियल में तो नहीं किया ना, इसलिए क्या हुआ, वर्चुअल ऑपरेशन, मतलब कुछ ऐसे काम करेगा जो उसे बिल्कुल रियल जैसे लगेंगे बट वो होंगे वर्चुअल, मतलब रियल नहीं होंगे. ठीक है, उसे फील होगा कि हाँ जैसे वो रियल में वहां से जंप कर गया. प्ले ए मल्टी यूजर गेम, या इसकी हेल्प से जो ये वर्चुअल रियलिटी है उनकी हेल्प से हम मल्टीपल यूजर गेम्स भी खेल सकते हैं, यानी एक ही गेम में बहुत सारे यूजर एक साथ आकर खेल सकते हैं. जैसे आजकल एक वर्ल्ड गेम है पबजी, एक्चुअली मैंने कभी नहीं खेला है बट कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा है. ठीक है, तो उसमें ऐसा वो भी काफ़ी हद तक वर्चुअल रियलिटी को सिमुलेट करता है. ओके, तो मतलब उसको खेलते वक्त तो यूजर्स को बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो रियल में खेल रहे हैं, क्योंकि सभी जो जो यूजर्स होते हैं गेम को खेलने वाले, उनको लगता है कि वो रियल में एक दूसरे के साथ मिल के उस गेम को खेल रहे हैं. गेम को क्या खेल रहे हैं, उनको तो लगता है जैसे थोड़ी देर अगर कोई खेलता रहे तो वो बिल्कुल ऐसा खो जाता है, उसको लगता है जैसे वो रियल में ही वो सब कुछ कर रहा है जो उस गेम में हो रहा होता है. सो ये भी एक छोटा एग्जांपल है वर्चुअल रियलिटी का, बट एक्चुअली में जो वर्चुअल रियलिटी वो तो बहुत ज़्यादा आपको रियलिटी का एहसास कराते हैं, उसमें तो थोड़ा थोड़ा एहसास होता है आपको. ओके, तो आगे कहते हैं और वर्चुअल रियलिटी क्या कर सकते हैं, टेक पार्ट इन ए थिएटर ऑफ वॉर. एक ये आपको किसी युद्ध में भी भाग दिला सकती है वर्चुअल रियलिटी, मतलब एक वर्चुअल वॉर में. ठीक है, आपको लगेगा ऐसे जैसे आप कोई रियल युद्ध जो है या वॉर वो लड़ रहे हैं. ठीक है, बट रियल नहीं होगा वो. इंटरेक्ट विद एन आर्ट वर्क, या फिर आप कोई आर्ट वर्क वाला काम भी कर सकते हैं वर्चुअल रियलिटी की हेल्प से. सो ये थे, तो हम एप्लीकेशन ऑफ रियलिटी की बात कर रहे थे, तो ये तो मेन किया. अब हम एक एक पॉइंट लेके करते हैं, तो इसका यूज़ और कहाँ होता है. तो सबसे पहले तो मिलिट्री के अंदर वर्चुअल रियलिटी का बहुत पहले से यूज़ हो रहा है और अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. सो मिलिट्री में क्या यूज़ होता है, इट हैज़ बीन अडोप्टेड बाय द मिलिट्री वेयर इट इज़ यूज फॉर ट्रेनिंग पार्टिकुलरली सोल्जर्स फॉर कॉम्बैट सिचुएशंस और अदर डेंजरस फील्ड सेटिंग्स. वर्चुअल रियलिटी का मिलिट्री के अंदर किस लिए का यूज किया जाता है, ट्रेनिंग देने के लिए. जो सोल्जर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको स्पेशल स्किल्स सिखाने के लिए, और जैसे वार है, वॉर की रियल सिचुएशन का एहसास कराने के लिए, तो उनको वर्चुअल रियलिटी वाले वॉर के अंदर भेजा जाता है जहाँ पे उनको लगता है कि रियल में युद्ध चल रहा है. उनको गोलियाँ बिल्कुल ऐसे महसूस होती है जैसे उनके बिल्कुल साथ से निकल रही हों, गुजर रही हों. ठीक है, तो उनको बिल्कुल वैसा एनवायर मिलता है, उससे वो प्रैक्टिस कर पाते हैं फ्यूचर में होने वाले वॉर्स के लिए. ओके, वेयर दे हैव टू लर्न हाउ टू विदस्टैंड एंड रेस्पॉन्ड इन ए अप्रोप्रिएट मैनर. तो वहाँ पर वो सीख पाते हैं कि उन्हें सही तरीके से किस प्रकार से रेस्पॉन्स करना होता है, क्या एक्शन परफॉर्म करना होता है वॉर के टाइम पर, किस सिचुएशन में. ओके, तो ये था मिलिट्री के अंदर यूज होता है. अ वर्चुअल रियलिटी सिमुलेट इनेबल सिमुलेशन, एक जो वर्चुअल रियलिटी की सिमुलेशन होती है वो इनेबल्स करती है them to do so, ऐसा करने के लिए वो उन्हें इनेबल करते हैं, मतलब वो ऐसा कर पाते हैं, बट विदाउट द रिस्क ऑफ डेथ और सीरियस इंजरी. अब एक तो ये प्रैक्टिस क्या कराई जाए, रियल में कराई जाए, एक जैसे रियल में वॉर लड़ा जाए. जैसे ये हो सकता है कि हाफ सोल्जर्स को एक साइड किया जाए, हाफ सोल्जर्स को दूसरी साइड किया जाए और बोला जाए कि लड़ाई करो प्रैक्टिस के लिए. बट वहाँ पर तो क्या है, वो रियल में अगर उनकी हम लड़ाई करवाएंगे तो वहाँ पर तो खतरा है ना, किसी को चोट भी लग सकती है, हो सकता है कोई डेथ भी हो जाए, किसी को रियल में गोली लग जाए. तो उसकी बजाय अगर हम उनका वॉर जो है वर्चुअल रियलिटी के अंडर करवाएं तो उनको एहसास बिल्कुल रियल जैसा होगा और वहाँ पर किसी को चोट भी नहीं लगेगी. ठीक है, किसी को
तो वहां पर डेथ का रिस्क नहीं होगा कि कोई मर जाए. वी आर कैन री इनेक्ट ए पर्टिकुलर सिनेरियो. जो वर्चुअल रियलिटी है वो किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो को बार बार प्ले कर सकता है. जैसे आप एक बार नहीं, जैसे एक बार वॉर में गए तो किसी से कोई गलती हुई तो दोबारा फिर से वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और उन गलतियों को सुधार सकता है. ठीक है, यानी परफेक्ट बन सकता है उस चीज में. फॉर एग्जाम्पल, एंगेजमेंट विद एनमी इन एन एनवायरमेंट, कि जैसे एनमी के साथ उसे कैसे इंटरेक्ट करना है किसी वॉर के अंदर. इन विच सोल्जर एक्सपीरियंस दिस बट विदाउट द रियल वर्ल्ड रिस्क. अब वो सब कुछ करते हैं, मतलब जो एनमी होते हैं उनसे टकराते हैं, उनसे लड़ते हैं, पर यहाँ पर रियल वर्ल्ड जैसा कोई रिस्क नहीं होता. दिस हैज प्रूवन टू बी सेफर एंड लेस कॉस्टली देन ट्रेडिशनल ट्रेनिंग मेथड्स. अब ये जो होता है, एक तो इसके दो बेनिफिट, एक तो सेफ भी होता है, ठीक है, किसी को चोट नहीं लगती रियल में, ठीक है, दूसरा ये सस्ता भी पड़ता है. क्योंकि जब रियल वॉर अगर करवाई जाए तो दोनों साइड क्या करेंगे, वो बहुत सारे जो बॉम्ब्स हैं या फायर्स करेंगे, गोलियां चलाएंगे, ठीक है. तो अब ये बॉम्ब्स हैं, जो गोलियां हैं, बहुत महंगी पड़ती हैं. ओके, तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है. तो अगर रियल प्रैक्टिस कराए उसमें खर्चा भी बहुत आ जाएगा. वर्चुअल रियलिटी में तो कंप्यूटर में सब कुछ चल रहा होगा, उन्हें लग रहा होगा कि रियल चल रहा है. तो वहाँ पर तो कोई नहीं, आप एक ही गोली को कितनी बार भी चलाए जाओ उसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, बस थोड़ा सा बिजली का खर्चा ना होता, जो इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत नॉर्मल होता है. ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा होता है वो होता है, या फिर एक बार शुरू में जो कंप्यूटर्स वगैरह लगाए जाते हैं, वर्चुअल रियलिटी का जो सेटअप किया जाता है उसमें थोड़ा सा खर्चा आता है, बट वो एक बार का खर्चा होता है, तो बार बार वो कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता. नेक्स्ट इज एजुकेशन. तो नेक्स्ट एप्लीकेशन कहाँ, यानी वर्चुअल रियलिटी का यूज कहाँ होता है, आजकल एजुकेशन के अंदर भी वर्चुअल रियलिटी का यूज होने लगा है. अब एजुकेशन में, पढ़ाई में क्या यूज होता है, द बेस्ट पार्ट ऑफ वी आर इज दैट इट इनेबल्स लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट विद कॉम्प्लेक्स डेटा इन एन ईजली एक्सेसिबल वे. वर्चुअल रियलिटी की हेल्प से बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़े ग्रुप को स्टूडेंट्स के, हम बिल्कुल रियल जैसा डेटा प्रोवाइड करा सकते हैं, उन्हें ऐसी स्टडी करवा सकते हैं जैसे रियल में वो सब कुछ कर पा रहे हों, विच इज बोथ फन एंड ईजी टू लर्न. और ऐसा करना एक तो आसान भी होता है और मज़ेदार भी होता है. ओके, मोर ओवर द स्टूडेंट्स कुड इंटरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स टू डिस्कवर मोर अबाउट दैम. और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उन ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं बिल्कुल रियल की तरह ही, ठीक है, और उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाते हैं. जैसे इसको एग्जाम्पल देने के लिए आपको समझाऊं मैं, कि अगर मान लो एक तो कोई चैप्टर पढ़ा रहा है टीचर, आपको हिल्स के बारे में, पहाड़ों के बारे में बता रहा है. ओके, अब वो पहाड़ों के बारे में आपको बताएगा, जो पहाड़ होते हैं ऐसे ऊंचे होते हैं, वहाँ से नीचे देखो तो बहुत डर लगता है, जो वहाँ के रास्ते होते हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं और ढलान बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ठंडी हवा चलती है वहाँ पर बिल्कुल. तो आपको क्या होगा कि ठीक है वो बता तो रहा है, आपको सिर्फ सोचोगे, और एक वर्चुअल रियलिटी से के थ्रू उसको यूज़ करके आपको पहाड़ों पर ले जाया जाए, मतलब होंगे तो आप वहीं पे क्लासरूम में, आपकी जो लैब है जहाँ पे वर्चुअल रियलिटी का सेटअप किया गया है वहाँ पर होंगे, कंप्यूटर आपने हेलमेट्स वगैरह, जैसे देखो इस पिक्चर में है ना, ये ऐसे पहन रखे होंगे, तो अब इसको ये एक हेलमेट टाइप है, अब इसमें जो स्क्रीन में जो चलता है उसको लगता है जैसे बिल्कुल रियल उसी जगह पे पहुंच गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है. तो जैसे इसको ये बटरफ्लाई वगैरह इसके अंदर दिखाई दे रही है, बट इसको ऐसा लगता है जैसे इसके आसपास यहीं पर उड़ रही हो, तो ये क्या एक वर्चुअल रियलिटी का. तो ऐसा ही एहसास क्लास में कराया जाए तो बच्चों को लगेगा जैसे वो सच में पहाड़ पे गए थे, वहां पे पहाड़ से ऐसे नीचे की तरफ जब वो देखेंगे तो ऐसे ही डर लगेगा, वैसा ही अनुभव होगा जैसे रियल में वहां जाने पर हो रहा है. तो उनको पहाड़ों के बारे में, हिल्स के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा उनकी वास्तव में जो हिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं. एक तो सिंपली वर्ड्स के द्वारा बताया जाए और एक बिल्कुल एहसास करा दिया जाए कि ये होते हैं पहाड़, ठीक है, वो वहाँ पर एग्जैक्टली पहुँच जाएं. तो ये क्या एक एग्जाम्पल दिया है मैंने सिंपल एक एजुकेशन का, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, ठीक है. नेक्स्ट इज हेल्थ केयर. जो हमारी मेडिकल डिपार्टमेंट है उसके अंदर हेल्थ से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसमें भी यूज होता है क्या. हेल्थ केयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट अडॉप्टर्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी. एक्चुअली हेल्थ केयर ने ही वर्चुअल रियलिटी को सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया है, मतलब अपनाया है. विच एनकंपासेस सर्जरी सिमुलेशन. अब जैसे हेल्थ सेक्टर के अंदर आजकल जो सर्जरीज होती हैं वो भी किस कैसे होते हैं, वर्चुअल रियलिटी की हेल्प से. रोबोटिक सर्जरी एंड इट्स बायस स्किल ट्रेनिंग.
तो इनकी हेल्प से, वर्चुअल रियलिटी की हेल्प से लोगों को क्या कराया जाता है, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, और रोबोटिक सर्जरी की भी जाती है, और उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है रोबोटिक सर्जरी के द्वारा। ठीक है, इट अलाउज हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू लर्न न्यू स्किल एज वेल एज रिफ्रेशिंग एक्साइटिंग वंस इन द सेफ एनवायरमेंट। और इनको मतलब जो हेल्थ केयर में जो हेल्थ केयर के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट और सेफ एनवायरनमेंट में वो सारी स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अब जैसे सपोज करो जो डॉक्टर्स हैं, उनको ऑपरेशंस के बारे में जब बताया जाता है, सिखाया जाता है, तो क्या करते हैं, पहले तो यही होता था कि रियल में कोई पेशेंट को या तो रखो को, जब उसका ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे वो रहे थोड़ा थोड़ा बीच में, उसे भी ऑपरेशन करने दिया जाए। बट इसमें तो रिस्क है ना, अब वो सीख रहा है, वो हो सकता है वो कुछ गलत कर दे तो पेशेंट की तो जान चली जाएगी। ठीक है, या फिर डेड बॉडीज के साथ करते हैं, बट डेड बॉडीज इतनी ज़्यादा अवेलेबल्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो लिमिटेड ही होती हैं। अब लेकिन वर्चुअल रियलिटी में क्या कर सकते हैं हम, जैसे उनको एक पेशेंट, वर्चुअल पेशेंट मतलब उनको कंप्यूटर में दिखेगा और ऐसा लगेगा जैसे उनके सामने बिल्कुल रियल में पेशेंट लेटा हुआ है, और उसको कहीं से भी काट वाट के देख सकते हैं, उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। अब रियल तो वो कोई है नहीं कि जो मर जाएगा, ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर में ही है। ठीक है, वो उसको एहसास कराएगा, हाँ जैसे उसको दर्द हो रहा है पेशेंट को, ऐसा उसको लगेगा, ताकि उसको पता लगे कि जब वो ऑपरेशन करेगा तो रियल पेशेंट को कैसा फील होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें उसको सिखाई जा सकती हैं, और बगैर किसी डेंजरस डेंजर के। ठीक है, तो ये हेल्थ केयर में भी इसका यूज होता है। इवन दो जैसे यहाँ पर एक पिक्चर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर है जो कंप्यूटर पे बैठा पीछे वहां पे वर्क कर रहा है, और यहाँ पर ये रोबोटिक जो डिवाइस सेट है एक रोबोट टाइप्स में, और ये यहाँ पर पेशेंट लेटा हुआ और उसका ये ऑपरेशन कर रहा है। एक्चुअली यहाँ कंप्यूटर से कमांड दे रहा है, और यहाँ पर ये जो रोबोटिक आर्म्स हैं वो ऑपरेशन कर रही हैं पेशेंट का। इसका मतलब क्या है, जो पेशेंट डॉक्टर्स हैं वो कहीं दूर बैठकर भी पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। ओके, सो पॉपुलर यूज ऑफ वीआर इज रोबोटिक सर्जरी, वेयर सर्जरी इज परफॉर्म बाय द मीन ऑफ रोबोटिक डिवाइसेस। तो ये अभी बता रहे हैं कि जो वीआर का जो एक पॉपुलर यूज है वो क्या है, कि रोबोटिक सर्जरी करते हैं, जहाँ पर जो ह्यूमन सर्जन है वो कहीं दूर बैठा ही रोबोटिक डिवाइसेस को कंट्रोल करता है वर्चुअल रियलिटी के थ्रू। इसको यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी में बिल्कुल ऐसा लगता है इसके सामने पेशेंट लेटा हुआ, और ये कंप्यूटर में उस पेशेंट के साथ जो करता है वही सब कुछ यहाँ रियल में ये रोबोट उस पेशेंट के साथ करता है, रियल पेशेंट के साथ। तो क्या होता है, ये दूर बैठा बैठा ही इसका ऑपरेशन कर देता है। ओके, तो इसका यूज कब होता है, जैसे कई बार एक डॉक्टर है, ब्रेन स्पेशलिस्ट है मान लो, वो उसी को ऑपरेशन आता है करना, तो बट वो है चंडीगढ़ में और एक पेशेंट है रोहतक में। जब तक वो डॉक्टर यहाँ आके सर्जरी करे तब तक तो क्या पेशेंट मर जाएगा, बट वो वहाँ इंटरनेट की हेल्प से कनेक्ट होके अगर रोहतक में ही कोई पेशेंट है जहाँ पर रोबोटिक ये लैब सेटअप है, तो वहाँ पेशेंट को लिटा के वो अपने वहीं चंडीगढ़ में बैठा बैठा वर्चुअल रियलिटी की हेल्प से ऑपरेशन कर देगा, और यहाँ पर ये रोबोटिक आर्म्स की हेल्प से उसका ऑपरेशन रियल में हो जाएगा। अब कोई दूसरा डॉक्टर कर नहीं सकता, तो देखो एक बेनिफिट हो गया ना कि दूर बैठा बैठा ही कर पा रहा है। तो यही सब कुछ इसमें समझाया गया इस पैराग्राफ में, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। ओके, तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। नाउ अदर फील्ड्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन, इसके अलावा जैसे हमने तीन तो ये पढ़ी है, एक एजुकेशन, हेल्थ केयर, और एक इससे पहले हमने पढ़ी थी यहाँ पर ये मिलिट्री। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर तो इसका यूज होता ही है बहुत ज्यादा। इसके अलावा भी एंटरटेनमेंट में जैसे गेम्स वगैरह हैं, ऐसी गेम्स आ गई हैं जिनको ऐसे ही आप ये हेडफोन पहन के खेलते हो और आपको लगता है सब कुछ रियल में जैसे हो रहा हो। फैशन इंडस्ट्री के अंदर आप कपड़े चेंज कर करके देख सकते हैं, ऐसे ही आपको लगेगा बिल्कुल रियल में, जैसे कोई कपड़ा आप टच करोगे आप उन्हीं कपड़ों में दिखाई दोगे। ओके, इसके अंदर आपको लगेगा जैसे आपने रियल में वो कपड़े पहन लिया, तो आप देख सकते हो कि आप कैसे लग रहे हो उसमें। ओके, नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग के अंदर नई नई गाड़ियाँ बना के देखी जा सकती हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं। साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, जो साइंटिस्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसर्च में वर्चुअल रियलिटी का यूज़ करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर होता है, फिल्म्स और मूवीज़ के अंदर तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनको बॉम्ब से उड़ा देते हैं, तो क्या रियल में उड़ाते हैं, नहीं, एक बिल्डिंग है इतनी करोड़ों रुपए की बनती है। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, अगर उनको ऐसा रियल में बॉम्ब से उड़ा के उनको शूट करेंगे तो अरबों रुपया खर्च हो जाएगा। ठीक
ठीक है, इवन दो कई तो मूवीज ऐसी हैं जिसमें अर्थ को डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाया जाता है, तो रियल में कोई अर्थ ना डिस्ट्रॉय होती है कि रियल में बॉम्ब फोड़ा जाए उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, तो वो कैसे करते हैं, वर्चुअल रियलिटी की हेल्प से कंप्यूटर के अंदर ऐसा जनरेट करते हैं वैसे बिल्डिंग, और वहां पर ही उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी का यूज कहाँ होता है, फिल्म और मूवीज इंडस्ट्री जो है उसके अंदर तो बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज 3D प्रिंटिंग। वर्चुअल रियलिटी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, अब बात करते हैं 3D प्रिंटिंग क्या होती है। 2D प्रिंटिंग तो आपको पता ही है, पेज जो होता है, पेज के ऊपर आप कुछ भी प्रिंट करते हो, ये क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पर आपको एक सामने एक पेज दिखाई दे रहा है जिस पर जो भी कुछ भी प्रिंट कर रखा है, ये क्या है, 2D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग क्या है, इस पेज से बाहर रियल एयर में कोई चीज़ बना देना, जैसे यहाँ पर एक पिक्चर आप देख रहे हो, ये एक 3D प्रिंटर लगा है और ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता जा रहा है, मतलब एक प्रिंट करता जा रहा है पूरा रियल ऑब्जेक्ट, जो पूरा एयर में रियल ऑब्जेक्ट ही बन रहा है, तो ये क्या है, 3D प्रिंटिंग है। ओके, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। 3D प्रिंटिंग इज एन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। एडिटिव का मतलब एक एक पार्ट को जो प्रिंटर है वो बनाता जाता है, उसके साथ आगे 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 जोड़ता चला जाता है। प्रोसेस विच इज यूज टू क्रिएट 3D फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जिसका यूज रियल 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है, इस 3D प्रिंटर का यूज। द कॉन्सेप्ट यूज हेयर इज टू क्रिएट ए 3D शेप और डिजाइन एंड प्रिंट इट यूजिंग सम इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। हमारा जो इसका मेन मकसद है इस कॉन्सेप्ट का, वो क्या है कि हम रियल 3D शेप्स या डिजाइंस बना पाएं, कि किसका यूज करके, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज का यूज करके। इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज जैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फाइल, यानी कंप्यूटर के अंदर एक फाइल बन जाए, जो भी ऑब्जेक्ट आपको बनाना है उस ऑब्जेक्ट की फाइल बन गई, उसके बाद हम कंप्यूटर से उस फाइल के प्रिंट करने का कमांड देंगे किसको, इस 3D प्रिंटर को। 3D प्रिंटर उस फाइल में से इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा और जैसा उस फाइल में हमने जो ऑब्जेक्ट बता रखा कि ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, 3D प्रिंटिंग। तो किसी इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, जैसे अभी हम वर्ड की फाइल है ना, आपने MS वर्ड में मान लो क्या किया, कोई फाइल बना ली, टेक्स्ट लिख के रख लिया, कुछ फोटो वगैरह लगा ली, अब जो आप प्रिंट का, आप तो 2D प्रिंटिंग का कमांड देते हो, तो जो प्रिंटर होता है जो आपने वहां बनाया है वही चीज पेज पर प्रिंट कर देता है, तो ये तो कि 2D प्रिंटिंग। और वही चीज अगर आपने जो एक ऐसी कंप्यूटर भी बनाए जा सकते हैं, बने हुए हैं आजकल, कि आप फाइल में आपने जो कुछ भी बनाया है, तो ये 3D प्रिंटर उस ऑब्जेक्ट को जो आपने फाइल के अंदर कंप्यूटर के फाइल में बनाया, वो उसे रियल में वो उस ऑब्जेक्ट को बना देगा। तो इसी को क्या बोलता है, 3D प्रिंटिंग। इनिशियली ए 3D डिजाइन इज क्रिएटेड से यूजिंग कैड। शुरू में जो है ये जो 3D प्रिंटिंग है वो कैड की हेल्प से बनाई गई थी। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडिड डिवाइस या डिजाइन, कंप्यूटर एडिड डिजाइन, यानी कंप्यूटर के हेल्प से जो डिजाइन करके हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, विच इज देन प्रिंटेड, बाद में उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा लिया जाता है यूजिंग एन एडिटिव प्रोसेस, एक एडिटिव प्रोसेस का यूज करके, मतलब एक एक पार्ट को इसका बनाते हुए धीरे धीरे। इन एडिटिव प्रोसेस मल्टीपल थिन लेयर्स ऑफ मटेरियल्स आर लेड इन क्रॉस सेक्शन मैनर अंटिल द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अब एडिटिव प्रोसेस में क्या किया जाता है, एक एक लेयर बनाई जाती है, जैसे ये है, इसकी पहले शुरू में बिल्कुल नीचे वाला पार्ट बना दिया एक लेयर, फिर उसके ऊपर एक और लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, 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 ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट बनता चला जाता है धीरे धीरे, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज टू प्रिंट दीज डिजाइन। अब इस जो ये डिजाइन बनाया गया है इसके लिए डिफरेंट टाइप के मटेरियल यूज किए जाते हैं, जैसे रबर, रबर स्टोन। अब जो ये प्रिंटर है, आज जो नॉर्मल प्रिंटर होता है उसमें तो हम इंक डाल देते हैं, तो इंक से वो प्रिंटिंग करता रहता है, अब इस प्रिंटर में क्या डालना पड़ता है, मोल्टेड रबर, सैंडस्टोन, प्लास्टिक मेटल्स, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं मोल्टेड फॉर्म में। तो जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, वो धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट को लेता रहेगा और यहाँ पर बनाता चला जाएगा, ठीक है। द प्रिंटिंग टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिजाइन। अब ये जो ऑब्जेक्ट प्रिंट होने में या बनने में कितना टाइम लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि इसका डिजाइन कैसा बनाया गया है, यानी जितना मुश्किल डिजाइन होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, या साइज कितना बड़ा, आप छोटा ऑब्जेक्ट होगा जल्दी बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बड़ा बनवा रहे हो आप तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। यूजिंग द 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स डिजाइन कैन बी प्रिंटेड। अब इस प्रिंट का यूज करके हम बहुत मुश्किल मुश्किल डिजाइन को प्रिंट करा सकते हैं, विच आर डिफरेंट टू प्रिंट एंड अंडरस्टैंड यूजिंग 2D प्रिंटर्स।
जिनको 2D प्रिंट से समझना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे डिज़ाइंस जिनको 2D प्रिंटिंग में समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, उनको 3D प्रिंटर से बनाया जा सकता है। ऑल्सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ मॉडल्स वेयर द माइन्यूट डिटेल्स वर स्किप्ड व्हाइल बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स। अब इस ये जो होता है ना 3D प्रिंटिंग से, जब हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो मॉडल्स बनाते हैं, वो एक तो सस्ते पड़ते हैं, ठीक है, और इनमें एक छोटी से छोटी बारीकियों को भी अच्छे से दिखाया जा सकता है। वैसे जब आप नॉर्मल मॉडल्स बनाते हो, जो छोटी छोटी बारीकियां ना, उनको हम स्किप कर देते हैं, ठीक है, तो पहले स्किप कर देते थे, बट अब उन सभी छोटी से छोटी बारीकियों को भी हम अपने 3D मॉडल्स में दिखा सकते हैं यूजिंग 3D प्रिंटर। इट सेव्स द एडिशनल एफर्ट्स ऑफ क्रिएटिंग प्रोटोटाइप टाइम एंड अगेन। अब इससे हमारा जो एडिशनल एफर्ट्स होते हैं, हम जो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, वो बच जाते हैं करने से 3D इसका यूज करने। यानी एक बार आपने एक फाइल बना ली, उसके बाद प्रिंटर सेम ऑब्जेक्ट को चाहे कितनी बार भी उससे प्रिंट करा लो, बार बार उस ऑब्जेक्ट को बनाता रहेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत चेंज भी करना है, तो आपको अपने बस जो डिज़ाइन बना रखा है फाइल, कंप्यूटर के अंदर फाइल है, उस फाइल में आप थोड़ा सा चेंज करोगे, उसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट बनाएगा उस ऑब्जेक्ट में भी वही चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये नहीं है पूरा थोड़ा सा डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज करना है, तो आपको पूरा सांचा अलग बनाना पड़ेगा। ओके, तो अब ये जो होता है 3D प्रिंटिंग, एक्चुअली ये सस्ती भी पड़ती है। शुरू में एक बार 3D प्रिंटर्स बनाने एक बार महंगे पड़ते हैं, बट एक बार ये बन जाए, उसके बाद इनसे जब ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे हम, कोई भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हो, तो यानी जब 3D प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी आजकल जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ लिखा है, हमें कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन बताई है। डिड यू नो, क्या आपको पहले पता था, चंक हल इन्वेंटेड द फर्स्ट 3D प्रिंटिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले ये चक हल है, इसने 3D प्रिंटिंग को इन्वेंट किया था, ठीक है, और उस प्रोसेस को उस टाइम पे नाम दिया गया था स्टीरियोलिथोग्राफी, ठीक है, और ये 1983 में हुआ था। यानी फर्स्ट जो 3D प्रिंटर बना था वो 1983 में बनाया था, बट वो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, बहुत मतलब सब कुछ नहीं बना सकता। आजकल तो बहुत ज़्यादा अच्छे से 3D प्रिंटर्स बन चुके हैं, आप कुछ भी बनवा सकते हो इस 3D प्रिंटर से, ठीक है, बस आपको इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जिस जिस मटेरियल की जरूरत पड़ेगी वो इस 3D प्रिंटर को देना पड़ेगा, और एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें ये इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन सा पार्ट कहाँ जोड़ना है, कैसे क्या करना है। उस फाइल में बताया जाएगा, ये प्रिंटर उन ऑब्जेक्ट को लेके वैसे ही जोड़ता जाएगा जैसे फाइल में बताया गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल में। तो यहाँ पर कुछ इमेजेस दे रखी हैं, जो ये इमेजेस हैं ये 3D प्रिंटर का यूज़ करके ही, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वो 3D प्रिंटर का यूज़ करके बनाए गए हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक्चुअली कुछ भी बनवाया जा सकता है आगे आने वाले टाइम में। आप देखोगे सब कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ बनानी है, हम घरों में भी 3D प्रिंटर्स आने लगेंगे, ठीक है, तो जिनकी हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट आप घर पे ही फिर बना पाओगे। बट अभी थोड़ा सा टाइम है, इतनी जल्दी नहीं होगा, अभी इसमें टाइम शायद लगेगा टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ने में, बट ये नियर फ्यूचर में होगा। ओके, सो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो हमने 3D प्रिंटिंग और जो वर्चुअल रियलिटी है इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आगे की जो ये टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं। सो मीट यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।